नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में आयोग के माध्यम से होगी विश्वविद्यालयों में वर्ग 3 के कर्मियों की नियुक्ति, मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। बिहार में 6338 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए बनेगा आयोग, मंगल पांडे बोले खोले जा रहे हैं 11 नए मेडिकल कॉलेज। बिहार सरकार प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का करेगी कौशल विकास, 1,00,000 से अधिक लोगों को देगी ट्रेनिंग। बिहार में नियमों को तोड़कर कई जिलों में प्रतिबंधित जगहों पर बना दिए 400 बूथ, अब चुनाव आयोग करेगी कार्रवाई। बिहार में कई शिक्षकों की नौकरी पर अब भी खतरा बरकरार, शिक्षा निदेशक ने लिखा पत्र, जाने किन कारणों से गिर सकती है गाज। लोक शिकायतों के निपटारे में पटना की सुधरी रैंकिंग, पिछले 2 माह में 34वें से 12वें स्थान पर पहुँचा। रेलवे का बड़ा ऐलान, अब 30 रुपये में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन का भाड़ा भी हुआ दोगुना। अब बिहार में जबरन रिटायरमेंट का आदेश लागू होने लगा, पटना डीएम ने लिपिक को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अब कार से पेट्रोलिंग करेगी बिहार की हाईटेक पुलिस, 80 अर्टिगा और 300 बोलेरो खरीदने का ऑर्डर। 37,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट में एसटीईटी 2019 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली के लिए एक नया आयोग बनाया जाएगा, आयोग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक के पद तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पद हैं। इन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया गया है। सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के वर्ग 3 के कर्मियों को आयोग के माध्यम से नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंधित अधिनियम के संगत प्रावधानों में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार WHO के मानक के अनुसार चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रयास कर रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की रिक्तियों को जल्दी से जल्दी भरने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 यानी कि कुल 6338 पद रिक्त हैं। नियुक्ति को अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आयोग से चयनितों की सूची मिलते ही डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मंत्री शुक्रवार को विधानसभा में राज्य में अस्पतालों की स्थिति, डॉक्टरों की कमी आदि प्रश्नों पर सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड ए का कुल 14,193 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 10,165 स्टाफ नर्स ग्रेड ए कार्यरत है। 9,130 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई थी। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल पार्ट 2 योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत सभी लाभुकों को नियमित पानी मिले, इसको लेकर काम हो रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को श्रम संसाधन विभाग व PHED के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत 1,00,000 से अधिक प्लम्बर व बिजली मिस्त्री सहित अन्य योजना से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि राज्य के 56,089 से अधिक वार्डों में हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत पानी पहुँच गया है। अब PHED जलापूर्ति योजना के बेहतर संचालन व रखरखाव के लिए प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन व पंप ऑपरेटरों को ITI के माध्यम से प्रशिक्षित कराएगी। PHED मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि जलापूर्ति योजना के निर्माण और 3 माह के ट्रायल रन के बाद अगले 60 माह तक योजनाओं के संचालन व रखरखाव एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इसके लिए जलापूर्ति योजना स्तर पर एक पूर्णकालिक पंप ऑपरेटर एवं आवश्यकता आधारित प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन आदि की सेवा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अभी प्रत्येक जलापूर्ति योजना से 2-3 आदमी जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षण के बाद योजना को चलाना और सहज हो जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी प्रदेश में तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग इलेक्शन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर चुकी है। वहीं चुनाव के तारीखों का भी अब जल्द ही ऐलान हो जाने का कयास लगाए जा रहे हैं। 10 चरणों में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का मामला भी अभी भी सामने आने लगा है। चुनाव आयोग ने
वोटिंग बूथ बनाने को लेकर निर्देश जारी किए थे, जिससे यह ख्याल रखा गया था कि वोटिंग प्रभावित नहीं हो। इसीलिए मुखिया के घर से 100 मीटर के दायरे में कोई बूथ नहीं होगा। अब ऐसी शिकायत आ रही है कि उन निर्देशों का नज़रअंदाज कर 400 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता बूथ बनाए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। आयोग ने मुखिया के घर के 100 मीटर अंदर किसी धार्मिक स्थल में व थाना परिसर में बूथ नहीं बनाने का निर्देश जारी किया था, लेकिन विभिन्न स्तरों से आयोग की यह शिकायत मिली है कि विभिन्न जिलों में करीब 400 बूथ ऐसे बना दिए गए हैं जो इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंदर आता है। बूथों के गठन में अनियमितता बढ़ते जाने की शिकायत मिलने के बाद अब चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को जांच कराकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आयोग ने इन शिकायतों को आधार बनाकर उन सभी बूथों के अनुमोदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बिहार में कई शिक्षकों की नौकरी पर खतरा अभी भी मंडराया ही हुआ है। इंटर में 50% से कम अंक हासिल किए और ट्रेनिंग नहीं लेने वाले शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। केंद्र सरकार का ऐसा निर्देश भी है कि किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में नहीं रखना है। वहीं इस मामले को लेकर अब बिहार का शिक्षा विभाग भी गंभीर दिख रहा है और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को +2 के प्रमाण पत्र को जारी करने की मांग भी की गई है। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक बताए जाते हैं जिन्होंने NIOS से DLED का कोर्स किया है। NIOS के माध्यम से ही +2 की परीक्षा के द्वारा अपना अंक प्रतिशत बेहतर करने वालों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस माध्यम से +2 की परीक्षा पास किए वैसे DLED शिक्षक जो 50% से अधिक नंबर भी ले आए हैं उनके नौकरी पर खतरा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों के आवेदन पर गंभीरता दिखाते हुए बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पटना के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिखा है जिसमें शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही गई है। लोक शिकायत के निपटारे में पटना जिले की स्थिति पिछले 2 माह में काफ़ी सुधरी है। इसके चलते दिसंबर 2020 में 34वें स्थान पर रहा पटना जिला फरवरी 2021 में ऊपर उठकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, लोक प्राधिकारों यानी संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति भी सुधर आया है। जनवरी 2021 में जहां लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति 83% थी, वहीं मार्च 2021 में बढ़कर 86% हो गई है। शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम में संबंधित अनुमंडलवार समीक्षा बैठक के बाद DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रेलवे ने भी यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी अब रेलवे का भी राजस्व बढ़ाएगा, क्योंकि अब भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट भी महंगा कर दिया है। जो टिकट 10 रुपये में मिलता था वो अब 3 गुना ज़्यादा यानी कि 30 रुपये में मिलेगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के कारण आम आदमी का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन अब उन्हें राहत नहीं मिलने वाला है। उधर रेलवे ने भी प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिसका असर जनता पर पड़ रहा है। रेलवे ने 10 रुपये में मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रेलवे की ओर से लोकल किराया में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। रेलवे की ओर से पैसेंजर ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू की गई है, जिसके किराए में बढ़ोतरी हुई है। मुसाफिरों को 10 की जगह 30 रुपये देकर लोकल में सफ़र करना होगा। बिहार में नीतीश सरकार सरकारी संघ सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के फैसले को सख्ती के साथ लागू कर रही है। पटना में एक लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। दानापुर SDO कार्यालय के लिपिक रहे अभी सिन्हा को पटना के DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। फिलहाल अभी सिन्हा निलंबित चल रहे थे, उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय धनरुआ में था। अभी सिन्हा के खिलाफ अनुमंडल कार्यालय दानापुर में रहते हुए प्रपत्र का गठित किया गया था। उन पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है। आयुक्त पटना प्रमंडल के तरफ से 12 अगस्त 2018 को किए गए औचक निरीक्षण में उन्हें अनुपस्थित पाया गया था। इसके बाद लिपिक अभी सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था। अभी सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए अपर समाहर्ता पटना को संचालन अधिकारी और अवर निर्वाचन पदाधिकारी दानापुर को उपस्थान पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच प्रक्रिया के दौरान लिपिक अभी सिन्हा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और अलग अलग तारीखों पर सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया गया, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहे। न्यायालय की सुनवाई के लिए 13 तारीखों में से उन्होंने किसी भी में
अपना पक्ष नहीं रखा। इसके लिए बाद तथ्य की समीक्षा के बाद संचालन पदाधिकारी के मतलब सहमत होते हुए पटना डीएम ने बिहार सरकारी सेवक की नियमावली के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए राज्य की पुलिस को और भी ज़्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई और यूपी पुलिस की तरह बिहार पुलिस भी अब स्मार्ट पुलिस बनने जा रही है। राज्य में अब अर्टिगा और बोलेरो जैसी गाड़ियों में गश्ती करने की योजना है। इसके अलावा सरकार पुलिस डिपार्टमेंट को 300 से अधिक मोटरसाइकिल भी देने जा रही है, जिसमें पुलिस वाले पेट्रोलिंग करेंगे। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक बिहार पुलिस के लिए फिलहाल 80 अर्टिगा की खरीद हुई है। इसके अलावा करीब 300 बोलेरो की खरीदने की तैयारी है। इतना ही नहीं, 379 मोटरसाइकिल को क्रय करने की भी तैयारी है, ताकि किसी भी जिले में पुलिस दल आसानी से गश्ती कर सके, जिसके लिए अपराध पर नकेल कसा जा सके। माना जा रहा है कि सरकार बिहार के हर जिले के लिए 2-2 अर्टिगा कार ले रही है, जो टाउन थाना को दी जाएगी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर राज्य सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य में माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। साल 2019 में ली गई एसटीईटी परीक्षा को चुनौती देते हुए री एग्जाम के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही एसटीईटी के रिजल्ट पर लगाई हुई हाईकोर्ट की रोक भी स्वतः खत्म हो गई है। पिछले साल सितंबर माह में हुई एसटीईटी की पूर्ण परीक्षा को कानून चुनौती देते हुए रिट याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।